एवरीवन, दिस इज डॉक्टर तन्वी। कोरोना के पेशेंट हो या चाहे दूसरा लंग डिसीज के पेशेंट हो, कई बार पेशेंट के लंग्स के अंदर कफ जमा हो जाता है। पेशेंट बहुत ट्राई करते हैं कफ को निकालने का, बहुत बार खांसी खाते हैं पर निकाल नहीं पाते। अगर वो कफ लंग्स के अंदर रहा तो वो लंग के दूसरे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा या फिर लंग्स को डैमेज करेगा। आज मैं इस वीडियो में कैसे आसानी से लंग के अंदर से सिक्रीशन या कफ को बाहर निकालना है वो सिखाऊंगी। इस टेक्निक को बोलते हैं एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। ये टेक्निक के टोटल 4 स्टेज है। फर्स्ट ब्रीदिंग कंट्रोल, सेकंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थर्ड हफिंग, फोर्थ कफिंग। ये 4 स्टेज हम समझेंगे और कैसे करना है वो सिखाती हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेज है ब्रीदिंग कंट्रोल। ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए आपको एक चेयर में आसानी से बैठ जाना है। शोल्डर, चेस्ट, नेक को रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स, हाथ को दोनों थाइस के ऊपर। ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, मुंह से उसको फूंक मारते बाहर निकालना है। ये हमें 4 से 5 बार करना है। देखते हैं। ब्रीदिंग कंट्रोल के टाइम हो सके तब आपकी आंख बंद कीजिए। आंख बंद करोगे तो आपका फोकस ब्रीदिंग पे हो जाएगा, तो आप आराम से अपनी सांस को रिलैक्स कर पाओगे। ये हुआ हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल। ब्रीदिंग कंट्रोल करने से जो भी अपने चेस्ट मसल से, ब्रीदिंग मसल से जो थक चुके हैं खास के, उसको आराम मिल जाएगा। अभी दूसरा हमारा है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फायदा वो है कि जो लंग्स की पेरिफेरी में जो कफ कलेक्ट हो चुका है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता, उसको पहले हमें लूज करना पड़ता है। लूज होगा तो वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। लूज करने के लिए करेंगे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेने के बाद उसे 2 से 3 सेकंड के लिए लंग के अंदर होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालना है। ये हमें करना है 3 से 5 बार। देखते कैसे करना है। होल्ड करना बहुत जरूरी है। होल्ड करने से लंग्स के अंदर की पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है। पॉजिटिव प्रेशर से जो कफ चिपका हुआ है वो लूज होता है। ये हुई हमारी दूसरा स्टेज। अभी एक बार सिक्रीशन लूज हो गया जो पेरिफेरी में है, अभी उसको सेंटर एयरवे में लाना है। उसके लिए हम करेंगे हफ। हफ क्या है? आराम से बैठे हैं, नाक से सांस ले रहे, मुंह से हा करके उसको बाहर निकालना है। पहले हम आसानी से 2 बार आराम से सांस को बाहर निकालेंगे और दूसरी 2 बार फोर्सफुली बाहर निकालेंगे। देखते हैं कैसे करना है। पेरिफेरी में जो कफ एकदम ढीला हो गया था वो सेंटर में आ जाएगा और सेंटर में आपको व्हीजिंग साउंड या कफ फील होगा कि अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे सेंटर में कफ आ चुका है। एक बार सेंटर में कफ आपका आ गया तो उसको आप कफ करके लास्ट स्टेज में बाहर निकालो। कैसे करना है। कफ करते वक्त आप हाथ में टिश्यू रखिए या स्पुटन बॉक्स रखिए तो आसानी से उसको आप थ्रो कर सकते हो। इस तरह आसानी से 4 स्टेज की मदद से, ये टेक्निक की मदद से आपके जो लंग के अंदर पेरिफेरी डीप में जो कफ कलेक्ट हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये थी हमारी एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। जिस पेशेंट को कफिंग की प्रॉब्लम है वो इसे रेगुलर कीजिए। आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। जो पेशेंट को लंग के अंदर ज़्यादा सिक्रीशन कलेक्ट हो चुका है वो लोग ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं।
टेक्निक के वक्त अगर आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहा है या फिर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तुरंत इसे स्टॉप कर दो, बॉडी को रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो और थोड़ी देर बाद इसे वापस स्टार्ट करो। इससे आप रेगुलर कीजिए। ये एक बार आपके लंग में से सब कुछ कफ निकल जाए, इसके साथ आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसे आप रेगुलर फॉलो करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो ये टेक्निक में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।